हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आ रही है एन पी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों की परमानेंट जॉब रहने वाली है यहाँ पे जो स्ट्रीम एलिजिबल रहने वाले हैं मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इंस्ट्रोमेंटेशन वाले एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पर आप लोग कोई भी फ्रेशर जो है वो एलिजिबल रहने वाला है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स और यहाँ पे आप लोगों को मैं ले चलता हूँ इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप लोग देख सकते हैं ये रेड कलर से जो आ रहा है तो ये डाउनलोड हो चुका है आप लोगों का नोटिफिकेशन तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्टर रिलीज़ हुई है थ्रू गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री के स्कोर के माध्यम से आप लोगों का यहाँ पर सेलेक्शन होने वाला है फ्रेंड्स लास्ट डेट जो रहने वाली है इसकी ट्वेंटी एट्थ ऑफ अप्रैल तो उससे पहले पहले ज़रूर से अप्लाई कर दें यहाँ पे टोटल वैकेंसी 325 रिलीज़ हुई है जिसमें करंट वैकेंसी 315 बैकलॉग वैकेंसी 10 अनरिजर्व वालों के लिए 127 करंट वैकेंसी 31 वन ई डब्ल्यू एस फोर्टी और 23 थ्री एस टी ओ बी सी नॉन क्रीमिलियर एटी सिक्स टोटल थ्री इसी तरह बैकलॉग वैकेंसी है एस वालों के लिए दो और एस के लिए वन ओ नॉन क्रीमिलियर के लिए सेवन फ्रेंड्स इसकी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कमिसमेंट एलवेंथ ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स लास्ट डेट जो रहने वाली है ट्वेंटी ऑफ अप्रैल और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन जो है फाइव हंड्रेड नॉन रिफंडेबल फ़ी बताई गई है चार्जेबल ओनली टू मेल applicants belonging टू जनरल EWS and OBC category कैटेगरी बाकी अदर कैटेगरीज के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है देर आर एग्जेप्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बी बी टेक बी एस सी इजीनियरिंग या फिर फाइव ईर इंटीग्रेटेड एम टेक विद मिनिमम ऑफ सिक्सटी परसेंट एग्रगेड मार्क्स इन वन ऑफ द सिक्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होना चाहिए मैंशन इन द टेबल ब्लो फ्राम यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज बाई ए आई सी टी और या फिर यू जी सी मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स बताई गई है एप्लीकेंट्स मस्ट हैव वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इक्कीस बाईस या फिर तेईस का स्कोर इन द सेम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज द क्वालिफाइंग डिग्री डिसिप्लिन होना चाहिए तो यहाँ मैकेनिकल में मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले एलिजिबल रहेंगे केमिकल में सिर्फ केमिकल इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉक्स कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन कंट्रॉल इंस्ट्रोमेंटेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रोमेंटेशन में कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सिर्फ इंटोमेशन और सिविल में सिविल ब्रांचेज एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पर एज लिमिट जो बताई गई है ए जनरली डब्ल्यू एस के लिए ट्वेंटी सिक्स ईयर्स बोन ऑन और बिफोर ट्वेंटी एट ऑफ अप्रैल नाइनटीन नाइनटी सेवन ओ बी सी 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 नॉन क्रीमिलियर रिलेक्से थ्री ईयर्स मिल जाएगी ट्वेंटी नाइन हो जाएगा एस सी एस टी के लिए फाइव ईयर्स की रिलेक्सेशन है थर्टी वन हो जाएगा पर्सन विद बॉक डिसाबल पर्सन के लिए टेन ईयर्स की है पी डब्ल्यू डी जनरल ई डब्लू एस थर्टी सिक्स ईयर्स पी डब्लू डी ओ बी सी नॉन क्रीमिलियर थर्टी नाइन पी डब्लू डी एस सी एस टी कैटेगरी के लिए फोर्टी वन ईयर्स रहेगी तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे रिक्वेमेंट है यहाँ पे फ्रेशर्स वाले एलिजिबल रहेंगे और भी अगर आप लोग जैसे कि 21, 22 और 23 तो वो भी पास आउट वाले एलिजिबल हैं क्योंकि ग्रेड स्कोर मांगे हुए तो जाहिर सी बात है और यहाँ पे फॉर एप्लीकेंट्स एलिजिबल फॉर एज रिलेक्शन मोर देन वन कैटेगरी क्यूमलेटिव एज रिलेक्शन अवेलेबल इन सब्जेक्ट व मैक्मम फिफ्टी सिक्स ईयर्स बताई गई है यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल भी रिक्वायर टू अंडर गो वन ईर ऑरिए ट्रेनिंग एन एनी ऑफ़ द ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रेशराइज़ हेवी वाटर रिएक्टर लाइट वाटर रिएक्टर इनके डिपार्टमेंट में आप लोगों को प्लेस किया जाएगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग और यहाँ पे पे लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है फ्रेंड्स आप लोगों का लेवल टेन का फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड से स्टार्ट होगी आप लोगों की बेसिक और उसमें अलावेंस वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएगा तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सीटी सी बन जाता है ट्वेल्व लाख का और यहाँ पर और भी अलाउवेंसेज आप लोग देख सकते हैं टी हाउस रेंट साइट लोकेशन प्रोफेशनल अपडेट एनुअल और यहाँ एम्प्लॉ के लीव और मैसेन फैसिलिटीज़ आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी लोन्स एंड एडवांसेस ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स एम्प्लॉज़ प्रोविडेंट फंड ग्रेचुएटी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स बॉन्ड यहाँ रिक्वायर्ड टू तो एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट ऑफ पर्सनल एंडिमेंटी बॉन्ड फॉर सिक्स लैक सेवेंटी एट थाउजेंड रुपीज़ का यहाँ पर अगर नो थर्ड पार्टी बॉन्ड अमाउंट कम ऑफ और ट्वेल्व मंथ्स टाइपेंड यानी एक साल का आप लोगों का बॉन्ड रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द फॉर प्रोविजनल पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है ऑफ मेरड ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेड स्कोर इक्कीस बाईस एंड तेईस बाई अप्लाइंग रेशियो वन इज टू ट्व देर आर मोर देन वन कैंडिडेट विद द सेम कट ऑफ मार्क्स देन ऑल द कैंडिडेट विद द सेम मार्क विल बी शॉर्ट फॉर इंटरव्यू इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू इक्कीस बाईस एंड तेईस ग्रेड स्कोर वालों को दिया जाएगा यहाँ पे और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबल पर्सन वालों के लिए सेपरेटली बाई अपलाइंग वन इज हिस्ट ट्व इन ईच कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी फॉर विच कैन वैकेंसीज़ आर रिजर्व वो सारी चीज़ें रखी गई इन लोगों के रिलैक्सेशन के लिए फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इन द पर्सनल इंटरव्यू सब्जेक्ट टू द मेडिकल फिटनेस सेवेंटी परसेंट और ई डब्ल्यू एस एस सी एस टी ओ बी सी और बाकी अदर कैटेगरी सिक्सटी परसेंट रहेगी फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप लोग वेट लिस्ट विल रिमेन वेल टिल ट्वेंटी सेप्टेम्बर टू इंटरव्यू शेड्यूल और वेन्यू जो है वो आप लोगों को बता दी जाएगी टेंटेटिवली बता दी गई फ़ाइव टू सेवनटीन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में कंडक्ट कराई जाएगी फ्रेंड्स उससे पहले आप लोगों को पहले शॉट लिस्ट किया जाएगा फिर उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन मार्कशीट ये सारी चीज़ आप लोगों को देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो ये सारी चीज़ आप लोगों के पास होना चाहिए और फिर इसको लेकर जाना होगा और वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को इंटरव्यू का जो है ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल जाएगा तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में